इन दिनों अक्षरा सिंह का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर उनसे उनके बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेसेस की बात की जा रही है और ये जवाब मिल रहा है अक्षरा सिंह की तरफ से। तो नहीं, ये सवाल है, सिर्फ सवाल के तौर पर, सबसे बढ़िया एक्टर, सबसे बड़े एक्टर की बात करेंगे तो इस इंडस्ट्री में रवि किशन जी, निरौआ जी, खेसारी जी और आई डोंट नो। आपने सुना जो अक्षरा सिंह ने कहा, जो एंकर ने पूछा, इन सब वीडियो में हमें कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि अक्षरा और पवन का रिलेशन ऐसा है कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे के अब बेस्ट नहीं हो सकते। कभी हुआ करते थे, कभी दो जिस्म एक जान हुआ करते थे। कई जगह पे अक्षरा सिंह ने ये कहा है कि अगर पवन सिंह नहीं होते तो उन्हें अपने गायकी पर कभी यकीन नहीं होता कि वो इतनी अच्छी गायक बन भी सकती थी। हाँ, ये बात और है कि उनकी आवाज़ पहले ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे निखारा और संवारा पवन सिंह नहीं है, और इस बात को कई बार अक्षरा सिंह ने खुले मन से स्वीकार किया है। अब इसे वो झुठला भी नहीं सकती। लेकिन अब अगर आप इन दिनों में अगर कोई पूछता है पवन सिंह से कि क्या आपकी नज़र में भोजपुरी की बेस्ट एक्ट्रेस है अक्षरा सिंह, तो वो कभी अक्षरा सिंह का नाम नहीं लेंगे, वो किसी और एक्ट्रेस का नाम लेंगे अगर उनसे बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेसेस के बारे में भोजपुरी के पूछा गया। यहाँ पर एक बात और खटकती है, जहाँ पर एंकर ये पूछता है कि आपको इस समय करंट में कौन सा सिंगर भोजपुरी में सबसे अपीलिंग लग रहा है, तो वहाँ भी अक्षरा सिंह अपना नाम लेती है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि अक्षरा सिंह एक अच्छे सिंगर तो है, लेकिन वो अपीलिंग नहीं है, यानी कि उनके आवाज़ में वो अपील नहीं है जो कि शिल्पी राज के आवाज़ में है, अनुपमा यादव के आवाज़ में है, या फिर प्रियंका सिंह के आवाज़ में है। अभी करंट सिचुएशन में देखा जाए तो ये सारी जो सिंगर हैं वो काफ़ी एक्टिव है, और इनके गाने 500 मिलियन, 400 मिलियन, 800 मिलियन, अनुपमा यादव का पुदीना देखा जाए तो टोटल अगर आप उसकी काउंटिंग करेंगे तो 1 बिलियन पहुंच चुका है। लेकिन अक्षरा सिंह को यहाँ पर सिर्फ दिखी तो वो, यहाँ पर अक्षरा सिंह किसी और का नाम ले सकती थी, और ये अक्षरा सिंह बखूबी जानती हैं कि उनसे बहुत ही बेहतरीन सिंगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कल्पना जी है और मालिनी अवस्थी है। लेकिन एंकर ने उनसे सवाल इस समय के तर्ज पर पूछा था तो वो शिल्पी राज या फिर अनुपमा यादव, प्रियंका सिंह का भी नाम ले सकती थी, लेकिन अक्षरा सिंह ने सिर्फ अपना नाम लिया। खैर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अक्षरा सिंह अगर पवन सिंह को घमंडी होने का आईना दिखाती हैं, मैं होने का आईना दिखाती हैं, तो उन्हें अपने इस जवाब के बारे में भी सोचना चाहिए कि उन्होंने जो जवाब दिया सवाल का, जो कि पूछा गया उनसे कि बेस्ट सिंगर कौन है इन दिनों भोजपुरी में फीमेल, तो उन्हें ये सोचना चाहिए था अपना नाम लेकर, वो भी एक घमंडी होने का टैग तो ले ही रही है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए मैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलूँ।